इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिया भैया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश फेल दिया। नाथुराम गोड़से जी को नमस्कार है। मार डाला वो हरामी को। देखो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं पर महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते। ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते। हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो। ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उसे फरार बताया जा रहा था। अब मिली जानकारी के मुताबिक संत कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया है। आरोपी कालीचरण को अब रायपुर लाने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथुराम गोडसे की सराहना की और कहा कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए सरकार के प्रमुख रूप में एक कट्टर हिंदू नेता को चुनना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कालीचरण महाराज कौन है और ये किस बाबा या संत से प्रेरित है। आइए हम आपको कालीचरण की पूरी कुंडली के बारे में बताते हैं। स्थले गले वलंब्यलंबितं भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं जगारचण्डतांडवं तनोदुनः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रमभ्रमन्निलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनी धगद्धगद्धगद्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। कालीचरण खुद को शिव भक्त कहते हैं। वह लाल रंग का वस्त्र धारण करते हैं और ललाट पर सिंदूर का टीका लगाते हैं। हर साल अकोला में कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। कालीचरण महाराज अपने रूप और श्रृंगार को लेकर चर्चा में रहते हैं। आपको बता दें कि कालीचरण महाराज पिछले साल उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने मध्य प्रदेश में शिव तांडव स्तोत्र गाया था। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ था। कालीचरण महाराष्ट्र के अकोला के पुराना शहर शिवाजी नगर के रहने वाले हैं। वह सामान्य परिवार के रहने वाले हैं। उनका असली नाम अभिजीत धनंजय सराग है। कालीचरण उर्फ अभिजीत सराग शिवाजी नगर परिषद स्कूल में 8वीं क्लास तक ही पढ़े। पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण उनके माता पिता ने अपनी बहन यानी कालीचरण को मौसी के यहाँ इंदौर भेज दिया। यहीं पर वह मराठी से हिंदी बोलना सीखे। इसके अलावा संत भयूजी महाराज के आश्रम में जाने लगे। वहां के काम में उनकी रुचि आने लगी और यहीं से उनको भयूजी महाराज की गुरु प्राप्ति हुई और यहीं पर अभिजीत सारग कालीचरण महाराज के नाम से जाने जाने लगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रायपुर के रावण भाटा मैदान में पिछले रविवार को 2 दिवसीय कार्यक्रम में कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता गांधी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। कालीचरण ने कहा, इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने राजनीति के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। मैं नाथुराम गोडसे को साष्टांग प्रणाम करता हूं और उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की। बापू के खिलाफ कालीचरण के इस बयान पर राजनीतिक दलों ने निंदा की और कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रायपुर के टिकरापारा थाना में कालीचरण के खिलाफ FIR दर्ज हुई और बुधवार की देर रात खजुराहो से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल।